अकेले यूफोर्जी का स्क्वाड बड़ा सेफ खेल रहा है, बट यहाँ देखिए हाइड्रा का स्क्वाड नजर आता हुआ। एडमिनर द्वारा एक अच्छा खासा स्प्रे, क्लच गॉड को मिलेगा नॉक 3-0 के सैयद का। हाइड्रा ड्रीम्स को डाउन कर दिया गया है। जोनाथन थोड़ा सा एडवांस करते हुए सिंप भी नजर आ रहे हैं, पीछे से कवर फायर प्रदान कर रहे हैं। वही मात्र टीम जो सर्कल के अंदर है, यू4जी का स्क्वाड भी हमें एंट्री पॉइंट पे नजर आता हुआ। टीम गॉडलाइक कमिंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट से यू4जी का स्क्वाड नजर आता हुआ एंड डायरेक्टली एआर के ऊपर स्लैमिंग दिया है बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स ने। चलिए ये एक अच्छा खासा कॉल, हाइड्रा गेटकीप कर रही है मेगा स्टार्स को, लेकिन यहाँ पे ब्लास्ट को डाउन कर दिया गया है। साइफर डाउन, लेजिट और थंडर सिर्फ यही दो खिलाड़ी बचे हुए, लेकिन ब्रेगॉड बचे है सामने। थंडर का ये शॉट करेक्ट होगा, गलती हो गई डोरा, डोरा के पास मौका था, वो बेटर कनेक्शन की जो उम्मीद थी वो यहाँ पे नहीं मिल पाई, इसी के चलते एलिमिनेट होना पड़ा। लेकिन अभी थंडर एंड लेजिट ये दो खिलाड़ी बचे हुए हैं, साइफर की तरफ जाना चाहेंगे, बट हाइड्रा के अभी भी खिलाड़ी हैं, स्प्रेगॉड है वहां पे, स्पर्श है वहां पे। और जब आपको अंदाजा है कि अक्रॉस द स्मोक खिलाड़ी है वहां पे मौजूद, तो ब्लाइंड स्प्रेज भी काम करेंगे। हाइड्रा तो विन करती हुई, लेकिन अभी टीम गॉडलाइक बनाम टीम हाइड्रा होता हुआ। और यहाँ पर हाइड्रा के ऊपर मेरी नजरें हैं कि किस तरीके से वो चलते रहेंगे, बिकॉज जॉनथन को तो ऑलरेडी डाउन कर दिया गया है। तो यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी, प्लेयर को रिवाइवल भी दिया, 5 फिनिशेस भी निकाले एंड नाउ दे नीड टू एंटर द सर्कल। बट यहाँ एक और कनेक्शन, स्पर्श के बुलेट स्पर्श करते देखिए, 4G के पास भी आता देखा, बट इसी के साथ ड्यूक की एक नेड डाउन करेगी कसर को, और कसर छोड़ना चाहते नहीं है वो इस बैटल के अंदर। मध्य में आके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और रिजल्ट आपके सामने है। हाइड्रा का स्क्वाड स्पर्श को भी शट डाउन किया और हाइड्रा का समापन। टीम गॉट लाइक टॉप 3 में अपनी जगह बना ली है, 7 फिनिशेस इन द पॉकेट। सामने की तरफ एआर का स्क्वाड नजर आता हुआ, सामने की तरफ यू4जी का स्क्वाड नजर आता हुआ। इट इज साथ की तरफ से, लेकिन सार की तरफ से वो वैल्यूज देखा जरूर से है, फ्रैग कर फोकस चाहिए, बट धकेलते हुए ड्रैग करते हुए हाइड्रा के खिलाड़ी अपने प्लेयर को लेके जाना चाहते थे, लेकिन नहीं, डूरा को पकड़ा और डूरा का समापन आप कप्तान साहब के द्वारा दिखा। 10 टीमें और 34 खिलाड़ी बचे देखेंगे। देखिए इतनी टफ सिचुएशन में हाइड्रा अभी तक सरवाइव कर रही है, लेकिन खाता नहीं खुला, वध कर करती हुई। लेकिन 8-bit का स्क्वाड आगे गेटकीप कर रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है 8-bit का स्क्वाड। हाइड्रा का स्क्वाड भी टीम तमिलास पे शॉट देने की कोशिश कर रहा है, और ये देखिए कनेक्शन मिल चुका है। मैक्सी अभी अभी तो उठे थे, बट अब डू अ वेरी गुड वर्क, बट आप देखिए एचपी काफी कम की गई उस व्हीकल की, सिंस की एचपी यहाँ पर कम नहीं की गई, लेकिन पीछे बैठे खिलाड़ी को भी अच्छा खासा डैमेज दिया। ब्लाइंड की स्क्वाड वो बड़े आराम से गेटकीप कर सकते हैं एफएस की स्क्वाड को, बट स्वैग जो कि सर्कल के बाहर थे समापन उनका वहीं दिखेगा। और हाइड्रा की स्क्वाड जो एंटर कर रही थी उन्हें स्प्रे डाउन किया गया, ब्लाइंड के पास मौका है और हर्ष ने दो बेहतरीन नॉकआउट्स निकाल दिए। मैंने कहा था ना आपको ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स को पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो पिकाडो पे ही इन्हें अच्छे खासे फिनिशेस सामने से आ रहे हैं, बिकॉज कंपाउंड है। और आप देखिए आप फंस सकती है ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स, क्योंकि अब सर्कल के अंदर की दौड़ शुरू हो जाएगी। यहाँ हाइड्रा के प्लेयर्स को दिक्कत में डाला, यू4जी के स्क्वाड को दिक्कत में डाला, 7 टीम समाप्त। कोशिशें देखिए एनटीटी के द्वारा अभी भी लगातार लेकिन चले जा रही है, जैसा आपने कहा कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। 9 फ्रेशर्स साथ आगे बढ़ते हुए और कोशिश की जाएगी पुशिंग की, बट ट्रॉय ये गलती हो सकती है, ट्रॉय ये गलती हो सकती है, और जी हाँ वो गलती हुई, सर्कल के बाहर गए, नॉकआउट हुए। और अब तो क्लच के द्वारा सोमराज को भी डाउन किया जाएगा। अब एक आखिरी खिलाड़ी बस आपको मात्र बचा देखेगा टीम एंटिटी का, और अगर उनका समापन तो टीम एंटिटी का जो ध्वज है वो आपको अब यहाँ पर गिरता देखेगा। लेकिन टीम ब्लाइंड की स्क्वाड ऊपर आ रही है, हाइड्रा के स्पर्श के पास एक अच्छा मौका है, डैमेज काफी तगड़ी है, बट स्पर्श के ऊपर भी वो गोलियां लगातार चलती दिखेंगी, स्किप्स उनका समापन होता हुआ देखेगा। और इसी के साथ अब 3 टीमें आपको मात्र बची दिखने वाली है। हाइड्रा सर्वाइवल को देखिए काफी कमाल, और कहना पड़ेगा इनसेन की आपकी प्रेडिक्शन ने काम तो तगड़ा करा है, दिन तो रिजल्ट आते हैं लगना ही लगना है, बट यार ड्रॉप लूट कर रही है टीम एफएस, अच्छी बात है, अपग्रेड करना जरूरी है। लेकिन हाइड्रा के खिलाड़ी मुझे लगता है साउथ छोर पे पिन हो चुके हैं और वो ओपन में जा भी नहीं सकते, बिकॉज जैसे ही ओपन में निकलेंगे तो हाइट का एडवांटेज है यहाँ टीम एफएस के पास, तो शायद ये फायदा उठा ले। लेकिन अब हाइड्रा सर्कल को पकड़ेगी, इट्स अ 3v4 सिचुएशन, रेज का भी मुझे लगता है कि रिवाइवल हो ही जाएगा। सो सामने हमें टीम हाइड्रा नजर आती है, हाइड्रा के 3 खिलाड़ी, लेकिन ट्रेस गॉड ने स्प्रे गॉड को डाउन कर दिया है। सिंस की तरफ शॉट, लेकिन सिंस इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने वाले, कोशिश तो की जाएगी कि उनको गिराया जाए, लेकिन जैसा आपने कहा कि इतनी आसानी से तो वो नहीं जाने वाले। बट वहीं अगर हम चर्चाएं करें एफएस की स्क्वाड की, भाई ये एक बहुत तगड़ा चिकटर होगा अगर आपको आता दिख जाएगा एफएस के पास, क्योंकि एफएस काफी पीछे बैठी थी, एक बहुत बेहतरीन मौका, एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम शिफ्ट आपको आता दिख सकता है एफएस के लिए। हाइड्रा की स्क्वाड सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है
ऑफिस के स्क्वाड वो कभी भी चाहे तो आगे पुश करके एक अच्छी वैल्यू निकाल सकती है। बिकॉज ही नंबर्स गेम, बट स्पर्स के जो पोजीशन चेंज करना, देखिए ऐसे पॉइंट पे अगर आप पोजीशन चेंज करते हुए आप फ्लैंक करते हुए आप एक से दो प्लेयर्स को नॉकआउट करेंगे, बट फिर आपकी पोजीशन नहीं रुकेगी और यही वो मौका रहेगा जहां नॉकआउट है आपने फ्लैंक कंफर्म होना चाहिए था। लीजिए अब आपकी पोजीशन पता चल चुकी है, अब पीक करना खतरे से खाली नहीं, और अगर ग्रेनेड्स आए तब तो यहाँ से चीजें और ज्यादा दिक्कत बनेगी। ये पॉइंट यहाँ पे सिंस भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा, सिंस के द्वारा भी एक नॉकआउट है, बट सिंस फिर उनके ऊपर भी आएगी कि 2v2 में आ चुकी है पूरी की पूरी स्थिति, और ये प्राइम टाइम है पुश करने का। अगर अब पुश नहीं किया तो फिर शायद यहाँ से हैट्रिक कुछ और नहीं कर पाएगी। और लीजिए एक और नॉकआउट स्पर्स के द्वारा, क्या ये वो गेम बन सकता है जो हाइड्रा अपना बना देखेगी, बिकॉज एक 2v4 की सिचुएशन थी इसे अपने लिए खींचती दिख रही टीम हाइड्रा। लुक एट द डैमेज एंड लुक एट द एरियाज, जिस तरीके से हाइड्रा की बड़ी एडवांटेज इनके पास आएगा जरूर, बट नो समापन उनका एफएस के द्वारा। और इसी के साथ देर आए दुरुस्त आए, अभी सामने ओरैंगुटैन का स्क्वाड है, इन्हें टारगेट की कोशिश करेंगे ड्रीम्स, अभी कवर है एंड आई थिंक ड्रीम्स पर ज्यादा तो होगा कि कवर आसपास खिलाड़ी होंगे। देयर वी गो, अंदाजा और रिजल्ट दोनों हो चुका है, एक फ्रैग आ चुका है बट देयर इज अनदर प्लेयर, ट्रिगर को डाउन किया गया है, और अभी को भी पता है कि हमने बहुत बार ऐसे सवाल देखा है, फर्स्ट ने रेक्स को डाउन कर दिया है। चलिए वहां से फ्लॉक्स ना, फ्लॉक ना सही, लेकिन हाइड्रा अपना काम करेगी से, वाइट कप पूरा भार जो था जरूर विंड गॉड की तरफ शिफ्ट हो रखा था, हाइड्रा की उस थर्ड पार्टी की वजह से अब विंड गॉड वापसी की तरफ कगार पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये क्या टीम फोर के फ्लॉग, ये तो देखिए आपके लिए एक फाइट में मदद के रूप में आए थे, लेकिन यहाँ पर विंड गॉड भी एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ से टीम फॉरएवर, मेरे ख्याल से सुनहरा अवसर उनके पास आके जाइए, क्योंकि दो खिलाड़ी ताराशाही हो चुके हैं। रीसेट अगर मिल जाएगा तो ये सिचुएशन वापस से 2v3 की हो सकती है, 2v4 की बन जाएगी, तो आप ये पॉज मत लाइए, आप आगे जा सकते हैं। एमजे का वो ग्रेनेड करेगा स्प्रे गॉड को डाउन, और मुझे लग रहा है कि शायद अब रीसेट जिसको चाहिए था वो उनको मिलता नजर आ रहा है धीरे धीरे करके। देखिए रीसेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बट एमजे इज द सॉर्ट ऑफ गाय जो निकाल सकते हैं अपनी टीम को किसी भी चीज से। हाइड्रा का स्क्वाड सामने की तरफ, बट सैडली स्प्रे गॉड की तरफ ध्यान था उनका, बचे दो खिलाड़ियों के ऊपर ध्यान नहीं था। ड्रीम्स द्वारा चार फिनिशेस आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव उनका पूरा हो चुका है, अब बची कुछ कसर उनकी गन पावर दिखाएगी। यहां से सेंटर की तरफ हाइड्रा का स्क्वाड नजर आता हुआ इनकी तरफ, गॉडज़रीन ने भी पुश करने की कोशिश की है, रिकॉर्ड जाना चाहते हैं स्पर्श को बचाने के लिए। अभी के लिए देखिए गॉडज़रीन ने टीम तो बहुत बेहतर बनाई है, लेकिन अब देखिए यूफोर्जी का स्क्वाड भी तंग करता हुआ टीम हाइड्रा को, कसार को स्पॉट किया तुरंत, मजे ले रहे थे बीच से निकल के जाना चाहते थे, ड्राइव बाय करना चाहते थे, अभी तो नुकसान हो गया। बट इसी बीच डोरा को भी डाउन कर दिया है गॉडज़रीन के डेल्टा पीजी, ड्रीम्स निकलना चाहते हैं, जस्टिन भी स्लैम करने की कोशिश करेंगे, किंग को डाउन करने की कोशिश, और चलिए अभी के लिए किंग को तो डाउन कर दिया हाइड्रा का स्क्वाड, बनाम टीम गॉडज़रीन एक नहीं दो प्लेयर डाउन है, लेकिन अब फैंटम की तरफ बढ़ रहे हैं, फैंटम के पास मौका है और फैंटम को भी डाउन कर दिया, ड्रीम्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, गाड़ी का प्रहार, जस्टिन निकल चुके हैं यहां से, ड्रीम्स क्या कमाल बवाल धमाल करते हुए हाइड्रा के ड्रैगन यहाँ गॉड्स को जला रहे हैं, फैंटम की तरफ जाएंगे, ड्रीम्स फिनिश कर देंगे, और अभी दो खिलाड़ी सेंटर की तरफ गाड़ी पे हैं, और अब बड़े प्यार से आके इन दोनों को भी एलिमिनेट कर देंगे। सो टेक्निकली हाइड्रा स्टिल इन द गेम, इट डिड सीम लाइक हाइड्रा शायद एलिमिनेट हो जाती यहाँ से, लेकिन ड्रीम्स ने तो कमाल कर दिया है, आग लगा दी है हाइड्रा के ड्रैगन्स इस पूरी लॉबी में, अभी अंत में आके आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन जस्टिन उनकी लोकेशन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते टीम हाइड्रा, शायद अंदाज नहीं, लेकिन अब पता चल जाएगा ड्रीम्स का नॉकआउट शायद हो सकता है यहां से निकलता नजर आ जाए, एचपी बहुत लो होने, बट यह क्लच निकल पाएगा, जस्टिन इसी चीज के लिए जाने भी चाहते हैं, एक कमाल